अच्छी शिक्षा ग्रहण करोगे तो रोजगार देने वाले आपको ढूंढ लेंगे। इसलिए शिक्षा ग्रहण करने के समय को बर्बाद ना करके प्रतिदिन मेहनत करके उस मुकाम को हासिल करें ताकि आपको रोजगार न ढूंढना पड़े। जो लोग रोजगार देते हैं वे आपको ढूंढें। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर के राजकीय महाविद्यालय के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कही। इस मौके पर मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। साथ ही आपको बता दें, इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर पहुँचने पर मुख्य अतिथि का महाविद्यालय के प्राचार्य व प्रधान स्टाफ ने भाजपा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर महाविद्यालय की एनएसएस टीम द्वारा मुख्य अतिथि को मार्च पास्ट की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। शिक्षा लो स्किल्ड, जिसका जिक्र अभी हुआ के कॉलेज में शुरू हुआ था, कुछ महीने पहले में आया था, वो टेक्निकल स्किल जो है, तो याद है हमारी सरकार थी तो मैंने पता किया कि पॉलिटेक्निक में और आईटीआई में हम क्या कोर्स सिखा रहे हैं। तीन ट्रेड थे, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल। आईटीआई में वो थे, पॉलिटेक्निक कॉलेज में वो ही थे। हमने निर्णय लिया कि जो उद्योगपति हैं उनको मैनेजमेंट में शामिल करो, मैनेजिंग कमेटी में उद्योगपतियों को जोड़ो, उनको कैसे ट्रेंड लोग चाहिए। और जब टाटा वालों ने उत्तराखंड में कार का कारखाना लगाया था तो आपने तो पढ़ा होगा अखबारों में, शाहपुर की आईटीआई से हमारे मोटर मैकेनिक के कोर्स करके जो 300 बच्चा निकला था एक बार सीधे एक ही बैच में, वो सबको ले गए थे, रोजगार मिल गया। शिक्षा ऐसी दो कि उसका ज्ञान लेकर, उसके शिक्षा लेकर व्यक्ति नौकरी के पीछे न दौड़े। जिसको आदमी चाहिए रोजगार देनी है वो आपके पीछे दौड़े। कुल मिलाकर रूटीन में जो पढ़ते हैं उसका लाभ बहुत नहीं होता। केवल ज्ञान ग्रहण करने के लिए अगर पढ़ना है तब तो रिसर्च करो, आगे बढ़ो। जैसे आपके प्रोफेसर के बारे में बता रहे थे, रिसर्च की गई, उन्हें अपना एकेडमिक करियर जो उसको इम्प्रूव किया है।